जैन क्रेडिट्स भैया, इसके नोटिफिकेशन कब निकलते हैं? यानी कि ऑफिसर युवराज सर, जो कि टीएसए 2022 रिटर्न फर्स्ट डे फिजिकल हुआ था, 1600 मीटर की रनिंग हुई थी। उसके बाद में सर हमारा एक खंडवा कैंप लगे थे, फर्स्ट कैंप खंडवा लगा था मेरिट में आने के बाद जी। तो सर अब पहुंच चुके हैं दिल्ली डीजीएनसीसी कैंट एरिया, है ना सर, जहाँ पे सभी कैट्स रहते हैं। 17 यूनाइटेड के अलग अलग बिल्डिंग्स रहती है, बॉयज कैट के लिए अलग, गर्ल्स कैट के लिए अलग, और सारी चीज़ें अच्छे से होती है। तो सर फर्स्ट डे से लेकर 12th डे तक क्या होता है? एक बहुत बड़ा डाउट होता है कैट्स के मन में कि सर आरडीसी कैंप करें या टीएससी कैंप करें, सर इस पर आपके क्या विचार हैं? जैन क्रेडिट्स, कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो फाइनली मोस्ट डिमांडिंग वीडियो आ चुकी है। हमारे साथ है अंडर ऑफिसर युवराज सर, जो कि टीएससी 2022 रिटर्न है, यानी कि बटालियन से पूरा डीजीएनसीसी तक अपना एनसीसी का करियर पूरा करके आए। तो युवराज सर, अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। जैन क्रेडिट्स, कैसे हो आप सब? मैं अंडर ऑफिसर युवराज चौहान, बटालियन से लेकर डीजीएनसीसी तक टीएससी 2022 फायरिंग से गया था। थैंक यू सो मच युवराज सर आपका आने के लिए। युवराज सर ने अपना कीमती समय निकाला है, तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को कवर करते हैं। सर सबसे ज़्यादा जो डिमांडिंग क्वेश्चन है उसको हम लेंगे, बट उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज टीएससी कैंप? एक बार आप टीएससी का नाम क्या होता है एक्चुअल में, और वो सब बता दीजिए कैडेट्स को। एक्चुअली टीएससी नहीं होता, ये एआईटीएससी होता है, ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप, जो कि डीजीएनसीसी कंडक्ट कराता है। सर बताइए इसके नोटिफिकेशन कब निकलता है, यानी कि जो सिलेक्शन के लिए जो बटालियन में नोटिफिकेशन निकलता है वो कब निकलता है? सर जून जुलाई में लगता है। और आपके टाइम पे भी सर जून जुलाई में निकला था? जून जुलाई में निकला था, यानी कि 2022 का जो समय था, लास्ट ईयर की बात है, सर ने लास्ट ईयर टीएससी कैंप किया था, 2022 में जून जुलाई के समथिंग इसका नोटिफिकेशन निकला था। सर अब बात करते हैं, आप किस इवेंट के थ्रू टीएससी कैंप किए हैं? सर मैंने फायरिंग इवेंट के थ्रू किया। सर फायरिंग इवेंट के थ्रू सर ने टीएससी कैंप किया है। तो सर मेन हम इवेंट्स की बात करें, टीएससी कैंप में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? सर फिलहाल तो फायरिंग हो गया, यस सर, ऑब्स्टेकल हो गया, मैप रीडिंग हो गया, हेल्थ हाइजीन हो गया, और टेंट पिचिंग हो गया, और लाइन एरिया हो गया। लाइन हो गया जी। अब बात करते हैं टीएससी कैंप के सिलेक्शन के प्रोसेस के। काफ़ी सारे कैट्स को प्रोसेस नहीं पता सिलेक्शन का, तो इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, ये लाइक हाइट, रिटर्न, फिजिकल क्या होता है? सर आप अपने सिलेक्शन के बेसिस पे बताइए, आपका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया था वो किस तरीके का था, हाइट वगैरह क्या था? पहले तो इसका कॉलेज लेवल पर सिलेक्शन होता है, उसके बाद में बटालियन लेवल पर। सर हमारा सबसे पहले हुआ था वहाँ पर, फर्स्ट डे फिजिकल हुआ था, 1600 मीटर की रनिंग हुई थी, उसके बाद में रॉक क्लाइंबिंग हुआ था, उसके बाद में सर फिर हमारा रिटर्न हुआ था। यस सर। देन इन सब तीनों के होने के बाद फिर हमारा मेरिट लगी थी, बटालियन लेवल पे सिलेक्शन हुआ था फिर हमारा। ओके सर, तो सबसे पहले सिलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है बटालियन लेवल पे। बटालियन पे सारे क्राइटेरिया फुलफिल करे जाते हैं, JD JW सर दोनों कर सकते हैं? जी सर दोनों कर सकते हैं। दोनों का हुआ था सारा प्रोसेस? दोनों का हुआ था। दोनों का हुआ था, गर्ल्स कैडेट, बॉयज कैडेट, सीनियर डिवीजन, जूनियर डिवीजन, यानी कि ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट। सर इसको फर्स्ट ईयर में कर सकते हैं कि सेकंड ईयर में करना रहता है? नहीं सर, फर्स्ट ईयर कैडेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसने वही नहीं किया था ना, सीएटी से नहीं किया था। ओके, मतलब सीएटी में मैंने उसकी थोड़ी बेसिक ट्रेनिंग तो होना जरूरी है ना। ओके, इसलिए सेकंड ईयर वाला कैडेट कर सकता है, इसलिए सेकंड वाला कैडेट कर सकता है। और आपकी फायरिंग हो गई थी सीएटी से, मैं तो अपन एलिजिबल थे स्कैम करने के लिए। जी सर। और सर उससे पहले सर मैंने एक फायरिंग कैंप भी गया था मैं। यस सर। मैं और स्वप्निल दोनों साथ में गए थे हम, बट क्या होता हमारे दोनों कॉलेज के एग्जाम आ गए थे, तो फिर हम कैंप छोड़ के आ गए थे, तो उसी से हमारा फायरिंग अच्छा हुआ था। अच्छा हुआ था, तो उसके बेस पे फिर हमारा टीएससी मैंने फायरिंग चुना था। ओके सर, यानी कि जो सर ने इवेंट्स बताए तो उन सब के लिए आपको प्रिपेयर करना होगा, फिर बटालियन लेवल पे कंपटीशन फाइट करना होगा, जो बेसिक क्राइटेरिया रहता है टीएससी में एंटर होने के लिए, ठीक है, बटालियन लेवल पे। तो उसमें 1600 मीटर की रनिंग हुई थी, उसके बाद आपका रस्सा कैच, यानी कि रस्सी से चढ़ना रहता, रॉक क्लाइंब करनी थी, यानी कि हाथों की स्ट्रेंथ बहुत चीज थी। सर पूरा कैंप फिजिकल के लिए रहता है, बहुत ज़्यादा स्टेमिना चाहिए रहता है, फिजिकल के लिए होता है, फिजिकली स्ट्रेंथ वगैरह सब होनी चाहिए, माइंडसेट वगैरह होना चाहिए, सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए ओवरऑल देखा जाए तो। उसके बाद सर का रिटर्न हुआ था, और सर रिटर्न के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, सर रिटर्न किस तरीके का हुआ था? सर रिटर्न नॉर्मली जो एनसीसी में जो पूछते हैं अपने से, जो एनसीसी में पूछा जाता है भाई, मतलब जीके वगैरह, बी सर्टिफिकेट के क्वेश्चन, हाँ बस भाई, बी और सी सर्टिफिकेट क्वेश्चन, इजी होता सर कोई भी? इजी, हाँ इजी होता है। मेन मतलब रनिंग होती है सर, है ना? सबसे टफ क्या होता है तीनों में? तीनों सर वही मान सकते हैं आप, रनिंग वन, रॉक क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग, यानी कि रस्सी से चढ़ना और रनिंग सबसे ज़्यादा टफ होता है। ओके सर, इसमें हाइट का कुछ क्राइटेरिया रहता है? हाइट का कोई इशू नहीं सर इसमें, हाइट का कोई इशू नहीं, मतलब मैं बंदे में दम होना, बंदे में दम होना चाहिए सर। तो सर का फिजिकल भी बहुत अच्छा, मैं आपको कुछ फोटोज दिखाऊंगा सर के टीएससी की यूनिफॉर्म में, तो मतलब एनसीसी की यूनिफॉर्म है, जो कि सर टीएससी करके आए थे तब सर ने, मतलब गोल्डन रंग के साथ पूरी देखी थी, आप देख सकते हैं अली फोटो, सारे फोटोज आप देख सकते हैं कितने शानदार लग रहे सर टीएससी की, यानी कि एनसीसी की यूनिफॉर्म। अब बात करते हैं पार्ट टू की, इसमें हम पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस जानेंगे। सर सबसे पहले बटालियन पे सिलेक्ट हो गए, मेरिट में नाम आ गया जी। सर उसके बाद क्या हुआ था, आपका कैंप कहाँ से स्टार्ट हुआ था? सर उसके बाद में सर हमारा एक खंडवा कैंप लगे थे, फर्स्ट कैंप खंडवा लगा था मेरिट में आने के बाद जी। हाँ खंडवा, खंडवा में सर एक्चुअली दो कैंप लगे थे हमारे, तो वहाँ पर जो फर्स्ट कैंप था उसमें भी हमारा रिटर्न भी होता था, और उसके बाद में यही मतलब सभी इवेंट करने होते थे हमें। यस सर। तो हमने सभी इवेंट किए थे उसमें, फिर फर्स्ट कैंप में बच्चे छट गए, बाहर हो गए, फिर देन वहीं पे सेकंड कैंप उसी अगले दिन वहीं लग गया था, 10 दिन के बाद
ग्यारहवें दिन अगला कैंप स्टार्ट हो गया, सेकंड कैंप में स्टार्ट हुआ था। ओके, बटालियन में मेरिट आने के बाद सर का पहला कैंप लगा था खंडवा में 10 डेज का, और सेकंड कैंप वहीं पे लगा, यानी कि फर्स्ट कैंप में हमारे सारे इवेंट थे, जजिंग डिस्टेंस, फायरिंग, लाइन एरिया, सब इवेंट से टीएससी के सभी कैडेट्स देते हैं, इसमें सभी के सिलेक्शन होते हैं फर्स्ट कैंप में, देन सेकंड में भी सिलेक्शन होते हैं जी। तो दोनों कैंप सेम रहते हैं 10 डेज के, यानी टोटल 20 डेज के यहाँ पे टू कैंप सर ने कर लिए थे। सर थर्ड कैंप कहाँ लगा था? थर्ड कैंप सर हमारा इंदौर लगा था, जो कि 9 एमपी ने कंडक्ट कराया था। Yes, वो भी सर 10 डेज के ही थे, वहाँ भी दो कैंप लगे थे, दो कैंप लगे, उसमें भी सर सेम पूरा प्रोसेस चला था, यही चला, पर कैडेट्स कम हो गए होंगे। कैडेट्स मतलब हर कैंप में 4-4, 5-5 कैडेट कम होते जाते थे हर बटालियन से। अच्छा, मतलब पहले बटालियन के सारे कैडेट्स का वहाँ कैंप लगा था, फिर बटालियन से और कम हो गए, इस तरीके से एक ग्रुप की टीम बनती जा रही थी। जी जी सर। ओके सर, यानी कि सर ने टोटल 4 कैंप कर लेते और सर चारों कैंप तक सिलेक्ट थे, बहुत अच्छा। जब 4 कैंप हो गए सर, उसके बाद 5th कैंप आपका कौन सा था? 5th कैंप हमारा सर लगा था महार रेजिमेंट सेंटर में, जो कि 33 एमपी ने कंडक्ट कराया था, और ये सर मान सकते हैं IGC मान सकते। अलग अलग ग्रुप्स के कैडेट्स थे यहाँ पे, लाइक अपने MP में 6 ग्रुप है, हाँ, तो सागर, भोपाल, इन सभी ग्रुप्स के सभी ग्रुप्स के बच्चे यहाँ पे आए हुए थे, मतलब इसमें से भी कैडेट सिलेक्ट हुए थे, कैडेट सिलेक्ट हुए थे, क्योंकि सर एक तरह का खतरनाक नेशनल कैंप है, मतलब नेशनल कैंप भी मान सकते, मतलब मेजर कैंप अपना RDC है, उसके बाद भी देखा जाए TSC, हाँ फर्स्ट RDC मान सकते हैं, और सेकंड TSC कैंप है, AITSC। सर यहाँ पे आपके कितने कैंप लगे थे सागर में? सागर में सर 2 कैंप लगे थे, 10-10 दिन के लगे थे, तो सर के 2 कैंप लगे थे IGC, यानी कि टोटल हो गए 6 कैंप सर, 6 कैंप हो गए, 2 कैंप सर के लगे थे खंडवा में, उसके बाद 2 कैंप फिर लगे थे 9 MP इंदौर में, उसके बाद 2 कैंप और लगे ये जो IGC, इससे पहले IBC था इंटर बटालियन कॉम्पिटिशन, और ये IGC कैंप था, तो इसमें भी सर सारे इवेंट्स हुए थे, है ना सर? IGC आपका कब तक कंप्लीट हो गया था, कौन से मंथ तक? IGC हमारा होगा सितंबर में खत्म होगा, यानी कि अक्टूबर से आपको करना था DGNCC दिल्ली में, दिल्ली में सर। ये RDC से पहले इसलिए होता है क्योंकि RDC मेन कैंप होता है, तो वो दिल्ली में उस टाइम लगेगा, तो उससे पहले TSC हो जाता है, उससे पहले हो जाता है, तो ध्यान में, तो मतलब सर इसके सिलेक्शन भी पहले होते हैं और RDC से पहले इसका सब होना है, सिलेक्शन से लेकर ये एंड तक पहले हो जाता है, अक्टूबर में हो जाता है, अक्टूबर में हो जाता है। तो सर अब पहुंच चुके हैं दिल्ली DGNCC कैंट एरिया, है ना सर, जहाँ पे सभी कैट्स रहते हैं, 17 डिवाइडेड के अलग अलग बिल्डिंग्स रहती है, बॉयज कैट के लिए अलग, गर्ल्स कैट के लिए अलग, और सारी चीज़ें अच्छे से होती है। तो सर फर्स्ट डे से लेकर 12th डे तक क्या होता है, एक बार आप शॉर्ट में बता दीजिए। सर फर्स्ट डे तो हम जैसे वहाँ पर गए थे उसमें हो गया, देन सर सेकेंड डे फिर वहाँ पे बहुत सारे इवेंट थे, 6-7 इवेंट, तो हर इवेंट के वहाँ पे कॉम्पिटिशन होते थे। जैसे सेकेंड डे पे आप हमारा तो 4th डे हुआ था फायरिंग, सेकेंड डे हेल्थ हाइजीन का था कॉम्पिटिशन, देन 3rd डे फिर उसका था टेंट पिचिंग का था, 4th डे हमारा था सर फायरिंग का, ऐसे करके हर दिन, मतलब जिस बच्चे का कंपटीशन है, जिस इवेंट, जिस बच्चे का जो जैसे फायरिंग इवेंट है तो उसका 4th डे कंपटीशन है, तो बाकी इवेंट वाले बच्चे वो सभी लेक्चर हॉल में जाएंगे और लेक्चर सुनेंगे, लेक्चर अटेंड करेंगे, मतलब कोई फ्री घूमेगा नहीं। और लेक्चर में ये मजा था सर कि लेक्चर अटेंड करो आप और क्वेश्चंस करेंगे, आप क्वेश्चन के आंसर दोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे, टी शर्ट्स पेन और बहुत सारे वगैरह। ओके, मतलब सर RDC में क्या होता है कि चीज़ें पहले ही दे दी जाती है, इस तरह पर TSC में थोड़ा ऐसा है कि इवेंट में जब कुछ कैरेट अप्रिशिएशन के लिए कुछ दिया जाता है, हाँ। तो ये अच्छा तरीके की चीज़ें दी जाती है, तो दिखती हुई तो अलग ही फील, मतलब बड़ा मज़ा आता है इस चीज़ को, है ना करने। ओके सर, सर इसके में रहने की क्या व्यवस्था, सोने की क्या व्यवस्था रहती है? सर जैसे RDC लाइक वैसे ही, मतलब उससे पहले सर कैरेट्स नीचे फ्लोर पे होते हैं सारे कैंप में? नहीं सर, उसके अपने हम IGC तो सेंटर में लगा था, महार रेजिमेंट सेंटर, जहाँ की आर्मी वाले ट्रेन होते हैं, आर्मी अग्निवीर ट्रेन होते, तो हमें तो वहीं पे मिल गया था, बेड मिल गया था। अच्छा। और कहीं लगता जिनका तो वो तो नीचे ही सोते सभी कैंप में, हाँ फर्स्ट कैंप से लेके 4th कैंप तक हम नीचे ही सोए थे। IGC में अपन को बेड मिल जाता है, पर सर RDC में, सर RDC में IGC भी नीचे ही होता है सर, वो तो सर अगर नहीं लगाया तो, हाँ वो अगर आपके सेंटर में लगता है तो आपको वही एक जो कि एक सोल्जर को सुविधा मिलती है वही सब मिलती है फिर आपको, और अगर आपको किसी कॉलेजेस में और कहीं लगता है कैंप तो वही नीचे सोना सब कुछ आने का, वही खाने का क्या रहता है सर कैडेट्स के लिए TSC कैंप में? 5 बजे उठाते थे, उसके बाद फिर हम जाते थे वहाँ पे PT करने, PT हो जाती थी, उसके बाद फिर सब अपने अपने आ जाते थे उसमें, अपने डायरेक्टर्स में अपने बैरक में आ जाते थे, फिर वहाँ से अपने ये सभी थाली चम्मच वाली ये लेके जाते थे अपने उसमें मेज में फिर वहाँ पे जाके ब्रेकफास्ट करते थे, ब्रेकफास्ट होने के बाद फिर वापस जाओ, थाली वाली धो जमा के रख दी, फिर आप तैयार हो जाओ अपने को, फिर तैयार होके सारा इवेंट हो जाता दिन भर, और फिर शाम को भी डिनर, मतलब हर डे आपको यही करना था, 8-9 बजे तैयार होना था, भले आपका कोई सा भी इवेंट है, कॉम्पिटिशन या कुछ नहीं है, फिर तैयार होना है। यस सर,
तो जिसका कंपटीशन है वो तो जाए कंपटीशन में, जिसका नहीं है उसको लेक्चर में जाना है। यस सर, बस वो ये था ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस। यानी कि अपने टोटल लगे थे 6 कैंप और उसका जो मेन कैंप था बराडी का डीजीएनसी का, यानी कि टोटल 7 कैंप करने होते हैं एक टीएससी कैडेट को। अगर टीएससी कैंप करना है तो 7th वाला जो कैंप है वो सबसे मेन कैंप है, उससे पहले 6 कैंप में कैडेट को प्रिपेयर किया जाता है सर इस कैंप के लिए, इवेंट के लिए। और सर इस इवेंट में कौन कौन सी बड़ी बड़ी डिग्निटीज वहाँ प्रेजेंट रहती है सर, उसके बारे में बताइए। सर लाइक वहाँ पे सर हम थे जब वहाँ पर थे लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह सर, डीजीएनसीसी। यस सर, और सर फिर वही कैंप को चलाते हैं वही कर्नल रैंक के ही चलाते हैं सर ऑफिसर। ओके, यानी कि कैंप को चलाने वाले जितने भी कर्नल रैंक के ऑफिसर है, लेफ्टिनेंट वगैरह जितने भी ऑफिसर रहते हैं मेन आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स तीनों के सर रहते हैं। और सर इसको आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों विंग के कैडेट कर सकते हैं? नहीं सर, कर ये जैसे अपना हो गया आर्मी वाले कैडेट होते हैं उनका होता है AITSA ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप। यस सर। और सर जैसे नेवी हो गया और एयरफोर्स हो गया, तो नेवी वाले एयरफोर्स का लगता है ऑल इंडिया वायुसेना कैंप। ऑल इंडिया वायुसेना कैंप। यस सर। नेवी वालों का लगता है ऑल इंडिया नौसेना कैंप। ओके सर, तो भाई वही सोचो कि ये हमको फुल फॉर्म रहता था सर अपने जब एग्जाम देते हैं, पर ये होता क्या मुझे पता है, आज मुझे पता चला कि AITSA के दो और नाम होते हैं अगर हम अलग अलग विंग से करते तो जी। उनका भी सेम ये प्रोसेस रहता है सारी चीज़ें, ये सभी सेम होती है, ये सभी ये रहता। ओके, तो कैट्स याद रखना एक बात, AITSA होता है ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप और ऑल इंडिया वायुसेना कैंप और ऑल इंडिया नौसेना कैंप, आर्मी विंग के लिए, नेवी विंग के लिए और एयरफोर्स विंग के लिए। थैंक यू सो मच सर, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी आपने सर। ओके, हम बात करते हैं टीएससी करने के कितने तरीके, तो सर ने अभी हमें बताया था जो इवेंट्स है उसके थ्रू कैड्स को प्रिपेयर किया जाता है और अलग अलग इवेंट्स के थ्रू कैड्स टीएससी कैंप को करने के लिए जाते हैं। सर गए थे फायरिंग के थ्रू, सर की फायरिंग काफ़ी अच्छी थी इसलिए सर फायरिंग के थ्रू गए थे। अगर आपका टेंट पिचिंग अच्छा है सर, कुछ टाइम दिया जाता है उसमें टेंट पिच करना होता है, यही सेम प्रोसेस जी सर है ना। उसके अलावा जजिंग डिस्टेंस, हमें कंपास वगैरह सब मैप रीड करना आना चाहिए, इस तरह के इवेंट्स होते हैं। इसके अलावा सर कल्चर होता है कैंप में? कल्चर तो होता नहीं लाइक, बट वहाँ लास्ट डे आप कर सकते हो। ओके, यानी कि जो हमारे कैंप्स होते हैं उनके लास्ट डे सारे टीएससी में होता है, इस तरीके से इसमें भी लास्ट डे कल्चर प्रोग्राम होता है, अगर पार्टिसिपेट करना चाहे तो कर सकते हैं, डांस म्यूजिक जो भी अपना टैलेंट। तो सर अब हमें बताइए कि सर टीएससी कैंप में टोटल कितने कैडेट्स होते हैं, लाइक अपने एनसीसी में 1.3 यानी कि 13 लाख के करीब कैडेट्स है, तो सर कितने कैडेट्स है जो सिर्फ टीएससी कैंप कर पाते हैं? सर जैसे कि एक डायरेक्टेट की बात करें अपने एमपीएनसीजी की, तो अपने यहाँ से सर गए थे टोटल 88 कैडेट गए थे, 88 कैडेट गए थे लास्ट ईयर 2022। ये नंबर चेंज हो सकता है, थोड़ा बहुत कर सकता है, ज़्यादा नहीं थोड़ा कुछ। और सर वहाँ डीजीएनसीसी में लगा था, वहाँ पे समथिंग थे 2100-2200 के समथिंग बच्चे थे सर, हर डायरेक्टेड्स के मिला के। ओके, तो सर उसमें नेवल विंग के और एयर विंग के दोनों वो भी नहीं सर, वो नहीं आते। अच्छा, उनका अलग ही सर, जैसे आर्मी विंग अपना है तो अपना दिल्ली में ही लगेगा जहाँ RDC लगता है वहाँ पर। यस सर। और जो वायुसेना वाले कैंप है इनके सर उनके बाहर लगते हैं, जैसे इनका मुंबई हो गया। यस सर। या एक और मतलब इनके जहाँ जहाँ लोकेशन वाइज है। अच्छा, यानी कि नेवी का जहाँ पे बना हुआ है ओके उधर लगेगा, मतलब उस तरह का एनवायरनमेंट दिखना चाहिए। आर्मी में टैंक्स वगैरह अपने डीजीएनसीसी में मिलेंगे, वहाँ उनको शिप, एरो, एयरक्राफ्ट ये सब दिखेगा, वो उनका जहाँ सेंटर है जहाँ ट्रेन होते हैं बंदे वहीं मिलेगा उनको। ओके, तो आप में से अगर कोई AIVSC या फिर वायुसेना कैंप या फिर नौसेना कैंप कर रहा है तो कमेंट करना, हम आपका भी इंटरव्यू लेंगे, तो काफ़ी लोकेट्स को सीखने को मिले। बात करते हैं कि टीएससी कैंप के लिए सीट्स कितनी आती है, बटालियन लेवल पे, कॉलेज लेवल पे तो कोई सीट्स होती नहीं, बटालियन लेवल पे मुझे आइडिया नहीं, और डायरेक्टेड लेवल पे बात करेंगे, और ओवरऑल तो सर ने बताया 2000 समथिंग कैडेट्स होते हैं, तो सर आप बताइए अगर सीट्स कितनी होती है बटालियन लेवल पे और ग्रुप लेवल में बात किया जाता है? सर बटालियन लेवल पे सर यही कुछ 40-45 सीट आती है सर। यस सर। उसके अंदर फिर आप ग्रुप लेवल पे जाओगे तो वही सर के कंपटीशन होता है, फिर बच्चे जिसमें टैलेंट रहेगा वो रहेगा, जिसमें नहीं है वो फिर आउट होता जाएगा। सर जैसे कि RDC है उसमें जो सीट्स रहती है वो रहती है डायरेक्टेड के पास, डायरेक्टेड डिवाइड करता ग्रुप में और ग्रुप से डिवाइड होती है बटालियन में। हाँ, है ना सर, तो बटालियन को कोई सीट नहीं आती, यानी कि किसी ग्रुप में काफी सारे कैड्स टैलेंटेड है तो वो उनको ज्यादा सीट चल जाएगी, ऐसा होता है सर टीएससी में? ये होता है। ओके, यानी कि एक बटालियन से एक कैड भी जा सकता है, एक बटालियन से 10 कैड, बस उसमें दम होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, ठीक है, दम होना चाहिए। और एक लास्ट क्वेश्चन, ओवरऑल टीएससी कैंप कितने ड्यूरेशन का था, जो मेन होता है वो 12 डेज का हो गया और बाकी इस प्रोसेस में कितना टाइम लगा, आपको 6 कैंप करने में कितने महीने लग गए थे? यही सर कि 3 या 4 महीने लग गए सर, 3 या 4 महीने लगते हैं प्रिपरेशन में, यानी कि ये जर्नी भी काफ़ी अच्छी लंबी जर्नी होती है। एक कैडेट का सपना होता है कि RDC TSC ऐसे बड़े नेशनल कैंप करें। सर इस कैंप के हमारे बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट का और ए सर्टिफिकेट जो मेन एग्जाम होता है उसमें कितने मार्क्स जुड़ते हैं? सर सी में ही जुड़ते हैं एक्चुअली, सी में, क्योंकि सर कोई भी बंदा है वो अगर बी सर्टिफिकेट से जाता है, बी करके जाता है तो वही सी में आएगा, सी भी आएगा, तो उसको 25 नंबर ही मिलता है सर बोनस मार्क्स, मैं खुद करके मुझे 25 ही मिलेगा। ओके सर, और सर RDC करके जाता है उसको 50 मिलते हैं, उसको 50 मिलते हैं। ओके, तो अगर आप भी कोई सा नेशनल गेम करते हैं, इवन मैंने भी सर एक बार चेस्ट वार किया तो मुझे उसके 25 मार्क्स जी, मतलब अगर कोई कैट नेशनल गेम कर लेता है तो उसका 25 मार्क्स मिलते हैं, ग्रेडिंग अच्छी हो सकती है, हो सकती है। तो सर अब हम बात कर लेते हैं टीएससी कैंप की किट्स के बारे में, सर किस तरह की किट्स मिलती है, किटिंग दी जाती है सर? वहाँ पे बहुत सारी किट्स मिलती है सर, लाइक जैसे कि ट्रॉली बैग हो गया, पिट्ठू बैग हो गया, उसके बाद में सर हमें वहाँ पे स्पोर्ट्स शूज मिले थे 3 जोड़ी,
और दो जोड़ी DMS मिले थे और दो जोड़ी चप्पल मिली थी और वही शेविंग किट हो गया, टी शर्ट हो गया, लोअर हो गया, अपर हो गया, बहुत कुछ मिला सर। ओके, जैसे कि सर ने अभी टी शर्ट भी पहन रखी सर, ये वहीं से मिली है? जी सर, वहीं से मिली हुई। ओके सर, और इसी तरह से ट्रैक सूट भी पूरा सर, और शूज वगैरह और काफी सारी चीजें मिलती है, काफी सारी मिलती है। सर अब बात करते हैं बैजेस क्या रहे हैं, तो सर मैंने आपकी यूनिफॉर्म में एक फायरिंग वाला लोगो देखा, तो सर आप फायरिंग से गए थे तो आपको फायरिंग वाला मिला है, इस तरह कोई अदर कैडेट किसी और अदर इवेंट आता तो उस तरह का बैज मिलेगा? नहीं सर, नहीं मिलता। नहीं मिलता, नहीं मिलता किसी को सर। सर सिर्फ फायरिंग में मिलता है, फायरिंग में मिलता है, फायरिंग वाले को फायरिंग का मिलता है। अच्छा, फायरिंग और जो भी कैडेट करता है TSC गेम, यस सर, उसको सर 7 कॉर्नर मिलता है एक TSC का। सर आप इन बैचेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं सर, किस तरीके से अटैक 7 कॉर्नर क्यों कहते हैं उसे? क्योंकि सर 7 कॉर्नर होते हैं, तो मतलब कि आपने 7 कैंप कर चुके हो आप, इसलिए 7 कॉर्नर नाम है। ओके सर, थैंक यू सो मच। और वही बंदा लगा सकता है इसने 7 कैंप कर। मैंने आपकी यूनिफॉर्म में एक रेड कलर का फायरिंग वाला देखा सर, वो इसलिए कि आपने फायरिंग इवेंट से किया। जी सर। ओके, और सर वो हर किसी को लागू नहीं होता फायरिंग वाला, जो नेशनल फायरर होता है वही पहन सकता है सर उसको। ओके सर, और सर रैंक्स वगैरह में क्या बदलाव आता है सर? सर रैंक वही आपकी जो रैंक रहेगी, आप कैंप करके आओगे RDC या TSC कोई सा भी, तो आपकी गोल्डन हो जाएगी वो रैंक। कोई सी भी रैंक सर? कोई सी भी रैंक, जैसे सार्जेंट की रैंक, सार्जेंट वो भी गोल्डन हो जाएगी। मतलब कोई JD कैडेट है वो TSC कैंप करता है और सार्जेंट की रैंक लगा गया तो उसकी सार्जेंट कलर की ब्लैक की जगह गोल्डन हो जाएगी, गोल्डन हो जाएगी। ओके सर, मतलब कोई सी रैंक कन्वर्ट हो जाएगी, कोई सी भी LCPL CPL कोई सी भी हो सर। ओके सर, तो सर अंडर ऑफिसर थे तो सर गए थे तो UO की गोल्डन रैंक हुई, आप जैसा कि देख सकते हैं फोटो में। एक बहुत बड़ा डाउट होता है कैड्स के मन में कि सर RDC कैंप करे या TSC कैंप करे, सर इस पे आपके क्या विचार हैं? देखो कैड्स, जो कैंप मिलता है आपको वो कर लो, कोई सा भी छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, यस सर। तो सर एक और डाउट यहाँ निकल गया था, RDC जैसे TSC में कुछ सिलेक्ट हो गया तो क्या वो RDC कर पाएगा फिर? कर सकता सर, उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी सर। सर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो डायरेक्ट IGC में जा सकता सर। अच्छा, मतलब वो उसको जो TSC करके आता है उसको कोई नहीं कैंप करने होता, वो डायरेक्ट IGC में जा सकता है। ओके सर, आपका CO रिकमेंड करता है तो CO रिकमेंड करता है बटालियन का। ओके सर, मतलब मेरे को लगा था कि सर जो एक बार में TSC कर सकते हैं RDC कर सकते हैं, मतलब TSC कर पहले हो जाता है TSC अक्टूबर तक, और अक्टूबर नवंबर में IGC स्टार्ट होता है RDC के लिए। जैसे मैंने प्रियांशु सर से बात की, उन्होंने RDC के लिए अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट होते हैं। अच्छा ऐसा है, तो कैट्स इस तरीके से अगर आप TSC करके आते हैं उसके बाद RDC भी कर सकते हैं, अगर IGC में कंपटीशन होगा सर वही है ना जो RDC के होते हैं, तो अगर वो कर सकते हैं तो। लास्ट में आप कैट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? आप पूरा सारी चीज़ें करके आए तो सर बहुत बड़ी बात है, और काफ़ी सारा डिमांड था इस टॉपिक पे, वीडियो काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर है सर, एक मैसेज दे दीजिए आप कैट्स के लिए। देखो कैडेट्स, ऐसा है कि आपको बहुत मौके मिलते हैं कैंप्स करने के, बट जो कैडेट्स छूट जाता है, कैंप नहीं कर पाता, जो IGC से बाहर होता है, वो मतलब डीमोटिवेट ना हो, क्योंकि बहुत सारे कैंप करने का मौका मिलता है उसे, तो जैसा भी कैंप जहाँ भी मिलता है करना चाहिए उसको, और जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। ठीक है, मतलब कि रुकना नहीं है सर, है ना कहीं? हाँ, बस हार नहीं माननी कभी कहीं भी NCC में यार, लाइफ में कहीं भी हार नहीं माननी है। तो एक बात तो मैं कह सकता हूँ सर कि आपने 6 कैंप कॉम्पिटिशन फाइट किया, तो मतलब इजी नहीं रहा होगा सर? इजी मतलब, तो नहीं रहा मतलब सर, बहुत मेहनत। और सर सर एक फैक्ट ऐसा रहा सर हमारा, हम IGC में थे, दो बंदे थे सर, एक 21 MP रतलाम का नारायण, और एक में सर 10 MP टांसी युवराज चौहान। यस सर, हम IGC में सिलेक्ट हुए, और IGC जो 5th लगा था कैंप जाते से महार रेजिमेंट में, तो वहाँ पे सर कैंप में हमारा सिलेक्शन हुआ, अगले कैंप के लिए भी सिलेक्शन हुआ, बट उस टाइम पे हमारी आर्मी की भर्ती भी थी। yes, तो हमें छुट्टी नहीं दे रहे थे वो कैंप से, कि 2-3 दिन के लिए कि हम भर्ती देके आ जाएं, छुट्टी नहीं दे रहे थे। फिर हमने CO साहब से बात करी वहाँ पे, तो साहब बोले कि आप या तो कैंप करो या भर्ती देखो, कुछ भी करो। yes, तो हमने सर कैंप को रिज़ाइन कर दिया था, TSC कैंप को एक एप्लीकेशन दे के कैंप छोड़ के हम आ गए थे कि हमें भर्ती देखना है। यस सर, वो दे दिया, फिर हम आ गए, भर्ती देखी, तो सर भर्ती में नहीं हुआ, वो तो कुछ कारण था नहीं हुआ। उसके बाद में सर जैसे भर्ती से बाहर हुए हम, वैसे सर हमारे वहाँ के SM साहब थे, सुबेदार मेजर थे वहाँ के, डोगरा रेजिमेंट के थे, उनका कॉल आया कि आप दोनों कहाँ हो? सर हम तो कैंप छोड़ के आ चुके हैं, हमारी भर्ती नहीं हुई। बोले भर्ती क्या? बोले भर्ती हुई नहीं हमारी। अच्छा, तो बोले आप सिलेक्टेड हो दिल्ली के लिए, तो आप आ सकते हो। मैं क्या, जी सर बताइए कब आना है। बोले आप करिए परसों रिपोर्ट। तो सर उसी दिन वहीं से धार से इंदौर आए, इंदौर से ट्रेन पकड़ी, वहीं सर हम सागर गए, रात में 12 बजे हम पहुँचे वहाँ पे, और रात को 2 बजे हम सेंटर में रिपोर्ट करी सर हमने। यस सर, और सुबह फिर अगला कैंप स्टार्ट हुआ, होना था अगले दिन, वहीं से भी स्टार्टिंग हुई सर हमारी। यस, क्या बात है सर। तो सर वही है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, मतलब किस्मत भी कुछ होती है, ठीक है, मेहनत भी करो, और एक किस्मत तो एक आपकी मेहनत तो 90% है। yes, और किस्मत आपकी 10% मान लो आप। yes, तो इसलिए कभी भी हार नहीं माननी चाहिए आपको। मतलब सर की मेहनत के सामने किस्मत छोटी बढ़ गई। सर ने मतलब 6 कैंप किए, सब अटेंड किया, और मतलब उसमें थे, और एग्जाम की वजह से मतलब फिर सर को कॉल आया करके SM साहब, सब बहुत बड़ी बात है। मतलब ऐसा मतलब एंड टाइम पर ऐसे बहुत रेयर केस मिलते हैं, मतलब किस्मत बोल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया सर।
ओके सो थैंक यू सो मच सर आपके आने के लिए, मुझे काफ़ी अच्छा लगा सर वो कैसे कब सेट आउट हुए। तो सर मैं आपके साथ एक वीडियो और शूट करूंगा जो कि आएगी कैट्स, आप एक दो दिन में वो वीडियो जरूर आएगी, तब उसको भी जरूर देखना, उसमें भी हम थोड़े डाउट्स क्लियर करेंगे कि किस तरीके से JD सिलेक्ट हो सकते हैं TSC के लिए। ओके तो थैंक यू सो मच फॉर वॉच जेन कैडेट्स।